मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मंडे और आज है जन्माष्टमी, तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू गाइस। और अभी सुबह का मेरा सारा काम हो चुका है और बस मैं नहा कर आई हूँ। अभी नहा कर नहीं आई, काफ़ी टाइम देर हो गई नहाई हुई, मुझे 15-20 मिनट होगा, लेकिन मेरे बाल अभी टावल से निकाले इसलिए गीले हो रहे हैं। और यहाँ पर 3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, आप देख सकते हो अभी भी बारिश हुई है, अच्छी बारिश हुई है। और हस्बैंड की एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं हो रही है, रात उनको फीवर हो गया था तो वो अभी थोड़ा सा उठे हैं, तो बस मैंने उनको दूध दिया है और दूध बिस्किट दे दिए खाने के लिए, जिससे वो अपनी मेडिसिन लेकर आए थे अभी डॉक्टर से, तो वो दवाई खा लेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना जन्माष्टमी का व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना मंदिर तैयार कर लेती हूँ, मंदिर लगा देती हूँ और फिर रेडी होकर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो मैं रेडी हो जाती फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बस मैं अभी रेडी हुई हूँ, थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ और मैंने ये येलो कलर की साड़ी पहन रखी है। तो मेरा मन था कि आज मैं येलो कलर की साड़ी पहनूँ, क्योंकि आज मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी है, थोड़ा सा मेकअप कर लिया है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ आज। और बहुत तेज बारिश हो रही है, अभी बहुत तेज बारिश हो रही है। एक्चुअली आपको थोड़ी सी बारिश की शोर सा आ रहा होगा, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है। और बस मैं अभी पूजा करूँगी, बस अभी रेडी हुई थी मैं, और मेरे हाथों पर देखो कि नेल पेंट भी लगी है। तो वक्त फ्री होके पहले पूजा कर लेती हूँ, पूजा का टाइम हो रहा है, फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर बातें करती हूँ और थोड़ा सा मैं अपना साड़ी वाला लुक दिखा देती हूँ। और ये मैंने यहाँ पे चूड़ियाँ भी पहनी है अपनी, और तो चलो मैं पूजा कर लेती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर। ये मेरा छोटा सा मंदिर है, मेरे प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल है ये। पूजा हो गई है अभी और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं आपको कल मैं दिखाती हूँ। ये देखो कितनी बारिश लगी हुई है, बहुत बारिश हो रही है, बढ़िया है बारिश हो रही है। तो 3 दिन से बारिश हो रही है तो यहाँ पर मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। एक्चुअली यार हस्बैंड की बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है और आज उनको ऑफिस भी जाना है, तो दवाई तो वो लेकर आ गए हैं डॉक्टर से और दवाई खा कर वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ऑफिस भी जाना है उनको। तो मैंने बोल दिया आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो बस मेरी पूजा हो गई है, मैं एक ग्लास पानी पीऊँगी और उसके बाद एक थोड़ी सी चाय बनाकर पीऊँगी, फिर हस्बैंड के लिए कुकिंग करनी है, फिर अपने लिए भी खाना बनाना है शाम को। अपने लिए तो शाम को बनाऊँ क्योंकि रात को तो 12 बजे पूजा करनी है मुझे। और उसके बाद मुझे क्या करना था, हाँ लड्डू गोपाल के लिए भोग भी बनाना है मुझे। तो मैं सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा दिखा दूँगी क्योंकि फिर वरना ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी हुई है और ये साड़ी मेरी शादी की है। यस, ये साड़ी मेरी शादी की है। वैसे साड़ी मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ लेकिन कभी कभी पहन लेती हूँ। मेरे पास साड़ी ज़्यादा हैवी नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा
नहीं लेती, मेरे हस्बैंड मुझे दिलाते नहीं, बोलते हैं वही वाली साड़ी रखी वो पहनती नहीं, वो पहनना ही नहीं होता तो ज़्यादा साड़ी मत लो, इसलिए मैं ज़्यादा साड़ी नहीं पहनती। बट हाँ, मुझे कभी कभी साड़ी पहनना अच्छा लगता है, तो इसलिए आज मैंने ये येलो कलर की साड़ी पहनी है। ये थोड़ा सा ब्लू कलर का बॉर्डर है और थोड़ा सा सिल्वर से वर्क हो रहा है, अच्छी लगती है साड़ी, बहुत प्यारी लगती है। तो चलो मैं पहले अपने हस्बैंड के लिए कुकिंग कर देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ और आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। आपने देखा कि मैंने पूछा कि मेरा छोटा सा मंदिर लगाया था मैंने, एक्चुअली मेरे पास छोटे से ही लड्डू गोपाल है, तो मैंने सोचा मैं उन्हीं को रख कर मैंने मंदिर लगा लिया, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। एक्चुअली ये कपड़े भी मैं ज़्यादा देर नहीं पहन सकती, मेरा मन होगा तो बस मैं थोड़ी देर में ही चेंज कर दूँगी इन कपड़ों को, कुछ और पहन लूँगी। यस आई थिंक, क्योंकि साड़ी ना मुझे नहीं लगता कि मैं इतना सारा काम कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड के लिए भी कुकिंग करनी है, भोग भी बनाना है, फिर आपका खाना भी बनाना है, तो देखती हूँ जितनी देर तक पहन सकती हूँ उतनी देर पहनूँगी, वरना फिर कपड़े चेंज कर दूँगी। चलो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, अंदर देख लेते हैं हस्बैंड सो गए हैं या फिर जाग रहे हैं। एक्चुअली ये गेट भी लगाना पड़ता है। ओके, तो देखती हूँ मैं, मुझे लग रहा है हस्बैंड सो गए। देखो अंदर भी थोड़ा अंधेरा हो रहा है क्योंकि लाइट सारी ऑफ करके सो जाते हैं। तो चलो मेरी एक वीडियो भी है, कल का मैंने व्लॉग बनाया था, वो मैं एडिट कर देती हूँ, एक्चुअली एडिट हो गया, अपलोड करना है, तो मैं चलो कर देती हूँ और थोड़ा सा घर का काम भी देख लेती हूँ। तो मैं अभी अपने फ्री हूँ, मैं अभी हस्बैंड के लिए खाना मैंने बना दिया है, सिर्फ लौकी की सब्ज़ी, और भी खाना उनका बन चुका है। और मैं अभी फ्री हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कान्हा जी की भूख के लिए अभी ड्राई फ्रूट्स काट करके रख लेती हूँ। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, और बारिश बहुत तेज लगी हुई है, अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही है। तो चलो मिलती हूँ, काम कर लेती हूँ यार, आज तो बहुत ज़्यादा काम है करने के लिए। मैंने यहाँ पर कपड़े चेंज कर लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे साड़ी ज़्यादा देर पहन के कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं रहता, और ऊपर से फिर इतने सारे काम करने होते हैं, तो इसलिए मैंने साड़ी अपनी चेंज कर दी है, और ये अपना कुर्ती पहन ली है, और इसके साथ ये रेड कलर की लेगिंग है और रेड कलर का दुपट्टा है, दुपट्टा भी बाहर रूम में ही रखा हुआ है। तो ये मैंने पूरा सूट पहन लिया है, ये मतलब मैं पहले भी रहूँगी सारे दिन, और मैं खाना भी बना सकती हूँ, उससे सारे काम मैं आराम से कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ये सूट पहन लिया है। और अभी बारिश बहुत ज़्यादा लगी हुई है यार, इतने घंटे हो गए बारिश होते हुए, और अभी देखो मेरे बाल पता नहीं क्यों सूख ही नहीं रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों ने फ़ैन भी ऑफ कर रखे हैं, फिर किचन में भी थे तो सूखे हैं। तो ये बिंदी भी चेंज कर देती हूँ साड़ी की मैचिंग की, रेड कलर की प्लेन बिंदी लगा लेती हूँ मैं, और चलो मैं प्रसाद बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि प्रसाद बनाकर मैं रख दूंगी एक साइड में, और फिर रात शाम को मैं अपना खाना बना लूँगी, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो चलो चलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं प्रसाद में क्या बनाऊँगी। भोग लगाने के लिए मैं बनाऊँगी पंजीरी और चन्ना अमृत बनाऊँगी। तो चन्ना अमृत बनाने के लिए हमें चाहिए कच्चा दूध, तो मैं इसमें कच्चा दूध ले लूँगी। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कच्चा दूध लिया है, अभी इसमें डालूंगी मैं चीनी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डालनी है, गजन, अब इसे अच्छे से मिक्स करना है, उसी के साथ में इसमें डाल दूंगी दही। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, चीनी को घोलना है। तो डालूंगी मैंने काजू बादाम और किशमिश को काट के रखा था, ये चन्ना मिर्च में डाल दूंगी मैं ड्राई फ्रूट, और इसी के साथ में इसमें डालूंगी मखाने। Thank you.
चना अमृत हमारा यहाँ पर बनके तैयार। यहाँ पर मैं बनाऊंगी पंजीरी और गैस मैंने ऑन करके रख दी है और बस इसमें अभी मैं देसी घी डालूंगी। यहाँ पर मैंने देसी घी डाल दिया, थोड़ा सा इसी में सूजी डालूंगी। सूजी को हमें हल्का सा ब्राउन होने तक भूनना है, अभी इससे टाइम लगेगा भूनने में। मैं धीरे धीरे इसे करके भूनती हूँ, धीमी आंच पर कर रखा है मैंने इसको। उस सूजी भूनने के बाद फिर उसे ड्राई फ्रूट भी देसी घी में ही फ्राई करना है। तो यहाँ पर मेरी सूजी भून के रेडी है, बस मुझे इतना ही भूनना है इसे। तो ये अच्छे से भून चुकी है, अब मैं ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करूँगी घी में। तो चलो दूसरी कढ़ाई रख लेती हूँ मैं। अब इसमें मैं घी डालूंगी। तो यहाँ पर मेरा घी गर्म हो चुका है, अब मैं अपने मखाने में फ्राई करूँगी। तो मखाने मेरे यहाँ पर ब्राउन हो चुके हैं, मखानों को मैं सूजी में डाल दूंगी। अब इसी इसमें मैं अपने काजू बादाम भी डाल दूंगी। पंजीरी में मैंने सारे ड्राई फ्रूट जो फ्राई किए थे घी में उसको इसमें मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। अभी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अभी इसको ठंडा कर देती हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। फिर इसमें मैं शुगर पिसी हुई जो चीनी आती है बूरा बोलते हैं क्या, वो इसमें मिक्स कर दूँगी। फिर मेरा ये प्रसाद बिल्कुल रेडी है। तो चलो इसे ठंडा होने देती हूँ। सॉरी मैं बहुत देर बाद आप लोगों से बातें कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, फिर मुझे थोड़ा सा घर का कुछ काम था। एक्चुअली कल मैं मार्केट चली गई थी तो मेरे कल कपड़े नहीं धुले थे, इसलिए कल और आज के मुझे कपड़े धोने थे। तो बस जल्दी से फिर शाम को मैंने कपड़े अपने जो मैंने सूट पहना था वो चेंज किया, लो सॉरी लोअर टी शर्ट पहनी है जिससे कि मैं सारा काम कर सकूँ। इतना सारा काम हो जाता है यार, पता ही नहीं चलता इतना टाइम से मैं काम में लगी हुई हूँ। और आज मेरा फास्ट भी है तो सारे कपड़े, इतने ढेर सारे कपड़े धोकर मैंने बालकनी में लगा दिए। एक तो बारिश हो रही है, अभी बारिश रुक गई है, थोड़ा सा लगा दिया, थोड़ी सी हवा लग जाएगी, फिर अंदर डाल दूंगी। और मेरा खाना बन चुका है, हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं, रात को आएंगे अब वो। और खाने में मैंने प्रसाद तो मेरा बन गया है, और खाने में मैंने बनाया है आज केले आलू की सब्जी और पूड़ी और खीरे का रायता और वही प्रसाद का जो भोगे पंजीरी एंड क्या बनाया था मैंने, चना अमृत, ये सारी चीज़ें बस मैंने बनाई है। अकेले को क्या बनाया, ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही सिंपल सा खाना बना लिया, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। और बस अभी सब्जी बन रही है मेरी और थोड़ी सी पूड़ी बना दी है मैंने, उसके बाद ज़्यादा पूड़ी नहीं बनाई, बाद में बनाऊंगी। तो बस बहुत गर्मी लग रही है, चलो मैं नहा लेती हूँ, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में बातें करती हूँ। और टाइम अभी 7:10 हो रहे हैं, तो चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मैं नहाने के बाद मैंने अभी शाम की पूजा कर ली है, तो अभी हो रहे हैं 7:30 या फिर 7:40 बज रहे हैं अभी। तो शाम की मेरी पूजा हो गई है और अभी मैंने जो खाना बनाया है वो वन मिनट अभी खाती हूँ। ये है वो खाना, तो ये है खीरे का रायता और आलू, आलू केले की सब्जी और ये पूड़ियाँ। तो ये खाना क्योंकि इसका तो भोग नहीं लगेगा तो ये खाना मैं ऊपर दीदी को देने जा रही हूँ,
और जो भोग लगेगा प्रसाद वो मैं कल सुबह दूंगी, क्योंकि फिर रात को 12 बजे मैं भोग लगाऊंगी तो अभी नहीं दे पाऊंगी, तो वो भोग वाला प्रसाद है वो मैं कल दे दूंगी और ये खाना मैं अभी दे देती हूँ। तो चलो फिर मिलती हूँ, पहले मैं ऊपर चली जाती हूँ, थोड़ी देर बैठ के आ जाती थी, जैसे काम कर रही थी अकेले, 1 वीक टाइम भी पास हो जाएगा, मैं ऊपर जाऊँगी। बिंदी छूट गई है, बिंदी रुकती ही नहीं है, तो चलो मैं बिंदी लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। ऊपर से आ चुकी हूँ, काफ़ी देर बातें की हैं, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर वीडियो क्लिप भी ले रखी है। वहाँ पर दीदी ने कान्हा जी का केक काटा था, सूजी का केक बनाया था, बड़ा ही प्यारा, और केक भी काटा था लड्डू गोपाल ने, और शाम को पूजा की थी, भोग लगाया था, आरती हुई थी ऊपर, तो मैं वहीं पे थी। बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और केक काटा लड्डू गोपाल ने, ये बहुत अच्छा लगा। वो वीडियो भी मैं इस वीडियो में ही डाल दूँगी, छोटी सी क्लिप है, आप देखना, आपको अच्छा लगेगा। तो अभी मुझे कुछ काम भी नहीं है, क्या करूँ, थोड़ा सा देखती हूँ, चलो फिर मिलती हूँ। खाना तो मेरा बना हुआ है, ऐसी पूड़ियाँ ही बनानी है मुझे, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। टाइम हो रहा है 11:20, तो बहुत ही मुश्किल से टाइम कटता है अगर आप अकेले होते हो तो। तो हस्बैंड भी ऑफिस में है, अभी मेरी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, तो बस आने ही वाले हैं 10 मिनट में वो, और आज थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली उनकी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं, रात से फीवर हो रहा है, तो हस्बैंड से बात हो गई थी, तो बस मेरा सारा काम तो ऑलमोस्ट रेडी है। 1 मिनट, ओके, तो मेरा सारा काम तो रेडी है, बस मुझे क्या करना है, पूड़ियाँ बनानी है, आटा भी मैंने लगा के रख दिया था, तो बस मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी और सारी थाली सजा लूँगी भोग लगाने के लिए लड्डू गोपाल को। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, और इतनी मुश्किल से अकेले टाइम कट ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी टाइम नहीं कट रहा था। एक डेढ़ घंटे के लिए तो मैं ऊपर दीदी के पास, आंटी के पास चली गई थी, जैसे ही मैंने वो वीडियो क्लिप भी डाल दूँगी इस ब्लॉग में, वहाँ पर आरती हुई थी, भोग लगाया था लड्डू गोपाल को, और उनका केक भी काटा था, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि दीदी ने, मतलब दीदी को लड्डू गोपाल घर पर लाए हुए, उनको 1 साल हो गया, तो उन्होंने 1 साल का केक काटा था, घर पे केक बनाया था इतना अच्छा, लेकिन मैंने तो खाया नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे प्रसाद दे दिया था, मैं बाद में खा लूँगी क्योंकि मेरा आज फास्ट है, तो मैं जब खाना खाऊँगी तब खा लूँगी, और हस्बैंड भी आने वाले होंगे। कितना अच्छा लगता है ना जन्माष्टमी, इतने अच्छे से सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं, मेरे मायके में भी, मेरे ससुराल में भी, सब लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो आज तो किसी से भी बात नहीं हुई, किसी से भी नहीं हुई है, तो कल बात करूँगी, क्योंकि आज सुबह से मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं, पता है आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ एक्चुअली, इतना सुबह से काम काम काम, और इतने सारे कपड़े भी, शाम को आज फास्ट है फिर भी मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े थे, धो दिए मैंने सारे कपड़े, सिर्फ एक दिन कपड़े नहीं धुले तो इतने कपड़े हो गए थे, और मैं भी एक दिन में 3 दिन बार कपड़े चेंज करती हूँ तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। आज ही मैंने 3 कपड़े चेंज किए, एक साड़ी सुबह पहनी थी, फिर ये पहना था, एक टी शर्ट पहनी थी जब काम कर रही थी, तो एक दिन में 3 दिन जोड़ी कपड़े हो जाते हैं, तो बहुत सारे कपड़े थे, सारे धो दिए मैंने,
कमरे में ही टांग दिए हैं जिससे कि फैन से वो सूख जाएंगे, क्योंकि बाहर तो मौसम थोड़ा सा ऐसी हो रहा है बारिश वाला, तो इसलिए मैंने बाहर से थोड़ी देर के लिए लगाए थे कपड़े जिससे कि थोड़ी हवा लग जाए, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा, आज तो बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है। तो चलो मैं पूड़ियाँ बना देती हूँ, हस्बैंड भी आने वाले होंगे, और पूजा की तैयारी करती हूँ क्योंकि 12 बजे जब तक तो मैं अपना सारा काम करूँगी 12 बज ही जाएंगे। तो चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। जी का भोग रेडी है, आप देख सकते हो यहाँ पे चन्ना अमृत है, माखन मिश्री है, फ्रूट्स हैं, खीरा है एंड पंजीरी है। तो मैं जल्दी से पूजा कर लेती हूँ और लड्डू गोपाल को भूख लगा देती हूँ। चलो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों मेरी पूजा हो गई है और अभी बज रहे हैं 12:20, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग डिनर करेंगे। अभी हस्बैंड हाथ धोने गए हुए हैं, तो खाना मैंने लगा लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो खाना ये रहा हमारा डिनर, ये है सूखे आलू की सब्जी और ये आलू केले की सब्जी और खीरे का रायता और पूरी और सैलेड फ्रिज से, सैलेड ले लेना फ्रिज से। ओके, तो और पानी की बोतल भी। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे। मेरा जन्माष्टमी स्पेशल व्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलो मिलती हूँ आपको एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।